अच्छा क्या बात है, अरे जिया जिया, ओहो क्या बात है सारंग भैया। अरे जिया करिया बाबा, गरमी में गरमी बढ़ई बुका हो, अच्छा बाबूजी, सभी आदरणीय श्रोताओं को मैं ओम प्रकाश दीवाना पूरी टीम सहित सादर प्रणाम करता हूं। आशीर्वाद के रूप में मेरे दीवाना म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरा हर नया गाना सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। एक आवश्यक सूचना है कि मैं अपना बिरहा अपने दीवाना म्यूजिक के अलावा किसी भी अन्य चैनल पर रिलीज नहीं करता हूँ। आए दिन कुछ चैनल वाले व्यूज के चक्कर में मेरा फोटो लगाकर किसी तात्कालिक घटना का टाइटल देकर यूट्यूब पर रिलीज कर रहे हैं, जबकि अंदर में मेरा ही पुराना गाना या स्टेज शो होता है या किसी और कलाकार का गाना होता है, जबकि ऐसा करने से मैं चैनल वालों को बार बार मना करता हूं, फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं। अपने सभी सम्मानित श्रोताओं से निवेदन है कि बिना चैनल का नाम पढ़े आप लोग किसी भी फर्जी वीडियो को क्लिक ना करें। एक बात की खुशी है कि ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा फोटो लगा करके आप यूट्यूबर साथी व्यूज पा लेते हैं, लेकिन यह गलत है, आप लोग ऐसा ना करें, क्योंकि गलत आप लोग करते हैं, हमारे श्रोता काल करके शिकायत हमसे करते हैं। आज फिर स्टूडियो में मौजूद हैं सम्राटों के सम्राट, सोशल मीडिया सम्राट, सम्राट मुकेश यादव जी एवं हमारे अजीज मित्र मधु कुमार मुखिया जी तथा दीवाना म्यूजिक के डिजिटल हेड हमारे दुलारे विशाल यादव जी। तो आइए अब बिरहा का आगाज करते हैं। इस बिरहा की कहानी को ध्यान में रखते हुए भूमिका में चार लाइन नारियों के लिए दीवाना का कहना है, कैसे जीतन मास्टर उठ करिया बाबा, आज जगत जननी नारी विविध रूप धारी, ससुराल पीहर के आंगन का गहना, हंसाती रुलाती सजाती है घर को, कभी बन के बेटी कभी बन के बहना, कभी बेवफा बन वफा भूल जाती, कभी बन के माता बनी है कुमाता, दिल लगा करके दिल तिरिया चरित्र समझ में नया था, एक लाइन कौवाली का नया नया टुकड़ा लगा था जीतन बाबू।
कौनो बदफरोश मासुका से सच्चा यासी कहता है रोज का ये बहाना रोज का ये बहाना गजब हो गया रोज का। वादा करके आशिका राय वादा करके नयाना गजब हो गया वादा। लाइन पे तवज्जो हो जैसन भी रहा वैसन लाइन सम्राट जी। बेवफा को पढ़ाना गजब हो गया पढ़ाना गजब हो गया बेवफा। इसके आगे वाली लाइन दिल हुआ या सिकाना गजब हो गया दिल। कहानी चालू होता कैसे जीतन मास्टर पति पत्नी में विश्वास की जो धूरी है विश्वास जिंदगी को बहुत बड़ी चीज बा। पति पत्नी में विश्वास की जो धूरी है साथ निभाने के लिए बहुत जरूरी है। कहानी कहां कबा उत्तर प्रदेश का दास्तान एक बताता हूँ बेवफा पत्नी की कहानी मैं सुनाता हूँ। मशहूर चिरई गांव है जिला बनारस का सचिन बेटा दो बेटी के बीच पारस का। आटा चक्की पारसनाथ जी चलाते थे जीविका का साधन हो। आटा चक्की पारसनाथ जी चलाते थे शौक से बेटा और बेटी को पढ़ाते थे। डिग्री ज्योति मौर्य पाई जब ग्रेजुएशन में पारसनाथ सोचे जोड़ दूं रिलेशन में।
घर में आए हैं, जिला आजमगढ़ तलाश बर की करते आजमगढ़ में आए हैं, मुरारी मौर्य का बछवल में पता पाए हैं। विनोद आलोक अशोक तीनों भाई में बनी है बात तब आलोक की भलाई में। आंगन भी मंगलमय हुआ। ओहो बाजो पूरा विश्व में मशहूर शहर बनारस जिला के मशहूर गांव चिरई गांव के निवासी पारसनाथ मौर्य जी आपन जीविका आटा चक्की चला के चलावत बाड़े, जिनकर एक बेटा सचिन और दो बिटिया बाड़ी। दोनों बिटिया में बिटिया ज्योति पढ़े में बड़ी तेज बा, जब बीए पास करती है ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है तब पारसनाथ अपनी बिटिया का रिश्ता खोजे चल दहलन जिला आजमगढ़ ब्लॉक मेहनगर के बछवल गांव का रहे वाला माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक राम मुरारी मौर्य जी के यहाँ पहुंचलन, जिनकर तीन बेटा, बड़ा बेटा अशोक मौर्य पेशे से अध्यापक, मझिला बेटा विनोद मौर्य पुलिस इंटेलिजेंस ब्यूरो में कार्यरत है, तथा तीसरा बेटा आलोक मौर्य जौन हाल ही में 2009 में पंचायती राज में सफाई कर्मी के पद पे कार्यरत है। आखिरकार आलोक मौर्य से ज्योति का शादी तय हो गई। 19 नवंबर 2010 के शादी भयल, बड़ी खुशी खुशी दोनों पति पत्नी का जिंदगी बीतत बा। अचानक एक दिना राती का ज्योति मौर्य अपना पति आलोक से कहला, सुनी ना जी हमार सिविल सर्विस का तैयारी करे का इच्छा बा, रउआ का कहतने जब इतनी बात आलोक सुना है सफाई करने। खला सरे पगली चिंता कैले का कोनो बात नहीं की, तनिका हमार बात सुन। तरज लगे मास्टर साहब और तरज बड़ी रंगीन बा। बिपिन बो भौजी बिपिन भैया के बारे में बतावत है कि ई हवा कैसा। अरे जमे न तहबे रे पतहिया जैसन सहिया डोले ले। आलोक ज्योति के समझा में पैसा रुपया के होई।
के आईले आ तैयारी पीसीएस के पूरा करवईले द काउंसलिंग कोचिंग इलाहाबाद में तैयारी कराने लगा इलाहाबाद प्रयागराज में तब कली से अली मिले बगिया में फूल खिले गौरव में ज्योति के प्यार बढ़े पीले पीले दोनों पति पत्नी का संपर्क रहा गर्भवती हो गई ज्योति दोनों पति पत्नी बड़ा खुश हवन एने परीक्षा का रिजल्ट भी आई एने हमन का मेहनत का फल भी आई तबले अरे बेटा चाहे बेटी आंगन में होई अरे धनिया हो पूरा करो अपनी पढ़ैया कमी न पैसा रुपया के होई पति पत्नी का दूसर भी तैयारी रेडी हो अचानक आ गई लू खुशी वाली घड़ी कवन घड़ी मास्टर तरज बदल गई कवनो भाव जाई अपना ननद से पूछ दिया हमार गावल गीत बा जोना के रउआ लोग बड़ा पसंद कैली भाव जाई का ननद से सवाल बा अरे अरे नाना तो है नहना तो बतावो दिल के हाल अरे अरे नहना तो अरे अरे नहना तो बतावो दिल के हाल अरे कौन ये नहना तो कटलस दोनों दिहली परीक्षा पूरा भइल इच्छा मनवा मुसुका अरे दिहली परीक्षा पूरा भइल इच्छा मनवा मुसुका अरे जुड़वा भैली बेटी ज्योति नौकरी गैली पास अरे जुड़वा भैली बारे संजोग एक तरफ पीसीएस का एग्जाम निकालती है दूसरी तरफ जुड़वा बेटी आंगन में खेल लगली उस पीसीएस एग्जाम में ओवरऑल पूरे यूपी में रैंक कितना रहल अरे पूरे यूपी में 16वां नंबर रैंक पवली हो के मीडी या में गुण गवली हो सोलहवीं रैंक हासिल करने के बाद पूरे यूपी में और महिलाओं में तीसरी रैंक मीडिया वालों ने सवाल किया कि इस सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगी ज्योति मौर्या ज्योति मौर्या बोली सर इस सफलता का श्रेय अपने पति
आलोक कुमार मौर्य को देना चाहूंगी और अपने ससुर जो अध्यापक हैं राम मुरारी मौर्य जी को। अगर वे लोग पैसा खर्च करके पढ़ाई नहीं होते तो मुझे ये रैंक नहीं मिलता, नहीं मैं सफल हो पाती। आय हाय, इतना के बाद कवि जी एक लाइन लिखत हो, दोनों पति पत्नी का प्यार का ऊपर, मेहनत का ऊपर, हीरा के मोती ही बन गईली ज्योति एसडीएम कहला, मेहनत कवि जी लिखत हवन, हीरा के मोती ही बन गईली ज्योति एसडीएम कहला, अरे जुड़ावा भईली बेटी ज्योति नौकरी गईली पास, बाबू ज्योति 2015 में यूपी पीसीएस जब कंप्लीट करती है तो पहली पोस्टिंग एसडीएम के रूप में होती है। एसडीएम बनकर के ज्योति का तबादला होता रहा, ज्योति ड्यूटी करती रही, परिवार में सब कुछ सही चल रहा था। 2019 तक आलोक और ज्योति के बीच में सब कुछ सही था, आखिर इतनी हंसती खेलती जिंदगी तबाह कैसे हुई? एजत तरज बदली मास्टर, कोनो आशिक धोखा दे वाली प्रेमिका से कहे, ये हमार गावल गीत बा, दीवाना म्यूजिक चैनल पर आप लोग बदे मौजूद बा। कहता कहे प्यार में हम तोहरा लाका काना कैली हो, आ गांव जवार के ताना सुनली घरे पिटैली हो, सब कहे त गम न रहे तू ही कहे लुकी पागल हा, सब कहे अरे तू ही कहे लुकी पागल, पति का ड्यूटी कहीं और पत्नी का ड्यूटी कहीं और, सबसे बड़ झमेला यह पैदा कर दलस कि ड्यूटी में आलोक की ज्योति में दूरी बढ़ल हो, सोशल मीडिया पर एक लड़का आंख में दौड़ल हो, बारे सोशल मीडिया जहां अच्छाई है वही बुराई भी है। ज्योति गईली महाई वो कर लुकवा पे, लुकवा पे, अरे धीरे धीरे प्यार बढ़ल मनीष दुबे से फेस बुकवा पे, चैटिंग से कहानी चालू भइल, कहानी कहां तक बढ़ी गई, पति के परवाह न कैली बेवफा छन में भइली, बेटिन के मुंह न देखली गलती तब राह उधैली, चुकवा पे
चुकावा पे धीरे धीरे प्यार बढ़ल मनीष दुबे से फेसबुक पे मनीष दुबे हाखे तनिका जान ली होमगार्ड कमांडेंट जिसकी पोस्टिंग गाजियाबाद में है, अपनी बीबी को तलाक देने के लिए कोर्ट में अर्जी भी दाखिल कर रखा है। ऐसन आशिक भेटाए गए एसडीएम ज्योति मौर्या के, कई लड़कियों से अफेयर भी है। उसकी बीबी ने खुलासा किया, संकेत कुमारी नाम की महिला होमगार्ड कांस्टेबल अक्टूबर 2020 में मनीष के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है। ज्योति के ऐसने लफंगा आशिक मिल गई। ए भैया, सब कुछ ठीक ठाक चलत बा, अचानक एक दिन आलोक मौर्य के मन में आई, क्यों न चल करके अपनी पत्नी एसडीएम साहिबा को मैं सरप्राइज दे दूं। अच्छा सरप्राइज देवे आलोक चल्लस, ओके ई पता ना है कि जौना पत्नी के सरप्राइज देवे जात है, वो आज हमें खुद सरप्राइज करे का तैयारी कर ले है। चला है, पहुंचा 22 फरवरी 2020 को सरकारी आवास पे, तो हुआ क्या? अरे है जवनिया में गड़िया छूटल ये राजा भयल का मनीष ज्योति रंगे हाथे धरैले सरप्राइज दे वाला आलोक के सरप्राइज मिल गए कि हमार पत्नी बेवफा है। आखिर बाहर मनीष मनीष खातिर एक लाइन दिहलस मनीष घर में अगिया लगाई, अरे पति पत्नी में रोज हो खेला कुछ भूल करके आलोक रिश्ता को बनाना चाहा, लेकिन हवस कया गो भैया, जब लागे ले तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जाए। रिश्ता बनाना चाह रहा है, लेकिन ज्योति आए दिन रोज आलोक से झगड़ा करने लगी। क्या साबूत है? साबूत जुटाने के चक्कर में पड़ गया, तो साबूत मिला है क्या? मनीष ज्योति रंगे हाथे धरैले। पति का व्यवस्था पर कवि जी टेरी में भाव लिखत हूं, अरे सिंदूर की लाली काली पड़ गई, ए भैया सिंदूर की लाली काली पड़ गई, बेवफा नारी से एक पति हुआ मजबूर, सब कुछ लुटा कर पढ़ा कर लिखा कर कोचिंग करा कर एसडीएम बनाया, नौकरी पाकर नौकर समझ बैठी ज्योति, बनी बेवफा है वफा को भुलाकर।
होटल का मिलना खुले आम घूमना। बात यहीं तक नहीं रुकी धनंजय भैया, होटल का मिलना खुले आम घूमना, चैट से मारने का खुलासा हुआ, वायरल काल रिकॉर्डिंग कहे चीख कर, घर में रोज रोज का लड़ना तमाशा हुआ। भैया हो रोज लड़ाई रोज झगड़ा, ज्योति गलत कर रही हो, दो बच्चियां हैं छोड़ दो, ज्योति काहे माने वाली है। धीरे धीरे 2020 के बाद 3 साल और खींच गई, 23 नियर आई। जब 23 नियर आया है, चैट से खुलासा हुआ, मनीष चैट पे कह रहा था खत्म कर दो आलोक को, रास्ते से हटा दो, हम लोग बहुत जल्दी शादी कर लेंगे। भैया हो बार बार रोकना, बार बार डांटना आलोक के लिए जिंदगी का काल बन गया। आखिरकार जब 7 मई 2023 को वह धूमनगंज इलाहाबाद के थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाती है, तो कवि जी बड़ा मजबूरी में वह बेवफा पत्नी खातिर 2 लाइन लिखत हुए, तरज बदल दी। अरे तक कही हुई है सड़क पर, अरे लखता हुई है रे कही हुई है, हुमनगंज थाना में आलोक और आलोक के पिता और आलोक के भाई के खिलाफ तब लिखना है कि कोतवाले के उल्टा, अरे कोतवाले के उल्टा, अरे डांटेला चोरावा रे कोतवाले के, दहेज उत्पीड़न का केस दायर कराती है धूमनगंज थाने में। तो आलोकी के केस में अरे फंसा वाला छछूनर, आ कहले भैया भाभी मांगे फारा चूनर, पति को अपने ससुर राम मुरारी मौर्या जी को, अपने दो भसुर अशोक को और विनोद को, और अशोक की पत्नी को भी 50 लाख रुपया मांगते हैं, मुझे रोज प्रताड़ित करते हैं, और एक फॉर्चूनर की मांग कर रहे हैं। केस तो दायर हो गई, आलोक फिर भी अपनी पत्नी को बचाता रहा, खुद को बचता रहा, लेकिन जब लगा कि आलोक अपनी पत्नी की जाल में फंस जाएगा, जिस आबरू को बचाता रहा उस आबरू को सोशल मीडिया पे लाना पड़ा। मीडिया वाले स्टेटमेंट ले रहे थे, वह असहाय लाचार पत्नी का मारा एक ईमानदार पति जो सब कुछ लुटा दिया अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए, मीडिया वालों के सामने विवश बयान दे रहा था। जब रोया वह जवान, तो जहां तक उम्मीद करता हूं कि पूरा भारत रो दिया होगा, पूरे भारत के लोग उसके वीडियो को देख करके रो दिए होंगे, रो रो करके मीडिया के सामने अपनी बयान दे रहा था। भाव बदल गया, कहता हम ना जनली, हम ना जनली क्यों बदल जाई है, दोनों बिटिया चल जाई है,
सामने आई, सच भी सामने आई, वो हमसे धोखा कर करी। बदल जाई है दोनों बिटिया के लेके चल जाई है। गई लो साहब, नौकरियों पर खतरा बा, जनों पर खतरा बा, जानो तनी साहब कैसे। जांच पे जांच हमारा ऊपर उकरावेली, हवस में फंस के आग बाग में लगावे। दो प्यारी बेटियों का मजबूर बाप रो रहा था, फफक रहा था, पूरे देश ने देखा। और जब यह घटना सोशल मीडिया पे वायरल हुई तो देश के हमारे युवा साथी सोशल मीडिया पे व्यंग लिखने लगे। क्या व्यंग लिख रहे थे? देश की हालात इस ज्योति को देखते हुए क्या बनी थी हमारे जवानों की, युवा पीढ़ियों की, सोशल मीडिया का लेख है। एक लाइन तरज बदल गई हमारे बिरहा का आखिरी तरज बा। भाई पवन सिंह की गीत है, हमारी बड़ा पसंदीदा तर्ज है। बहु पढ़ाओ बहु भगाओ, अपने घर में आग लगाओ, कुछ लोग उस आलोक की रुलाई देख करके क्रोध में लिख रहे थे। पहपट में एसडीएम साहिबा ज्योति मौर्या से सवाल हो, कौन सवाल बा?
सिस्ता ही बायस डीएम कोई दी हलू एहसान भूल बदमाशी साही बायस डीएम पहले से बहुत अफेयर हो आ वो करा साथे कैसे कैलू हाय अपन इज्जत शेयर हो अरे केयर जे कैलू के चाहेलू फांसी साही बायस डीएम आरानी रहलू बन जाइबू कि अब दासी साही ओ परिवार के भुला गेलू एगो यास खातिर सात साल के बेटिन के अरे ना कैलू तू परवाह हो कबू नहीं सोचलू ऋषि और खुशी का जिनेगी एगो सौतेला बाप के हाथ में कैसे बीती हवस के आग में हंसत खेलत अरे जिंदगी भइल तबाह हो अरे मरलू तू परिवार के ऊपर गड़ा सी साही बायस डीएम अब पढ़ा तू ना तब न तू ना कि अरे चपरा सी साही बायस डीएम मौर्या तू एसडीएम क्या चपरासी भी बनने के काबिल नहीं थी। आइए बहुत सारे इल्जाम लगाए गए परिवार के ऊपर वह सभ्य परिवार आए दिन सोशल मीडिया पे न्यूज पे परिवार के बारे में चल रहा है। आप लोग सुनेंगे तो लगेगा कि वाकई राम मुरारी मौर्या का परिवार कितना सभ्य है। गांव में चर्चा है, इलाके में चर्चा है, आल्हा में घटना का खुलासा करने जा रहा हूं कि कौन गलत है और कौन सही है। तनी रहुआ लोग विचार करो। आल्हा में भाव अजीतन भैया अरे जान देवे वाला आज कि मारल चाहे जनवा भैया जवान पति पत्नी दो जिसमें एक जान थे आज वो पति पत्नी एक दूसरे का दुश्मन कैसे बन गए। जवान परिवार पांच साल तक पढ़ावलस पंचो अरे नौकरी लगते कैसे करे लागल अत्याचार ज्योति के लगाए इल्जाम के आधार पर मैं कह सकता हूं कि जो परिवार 2010 से लेकर के 15 तक पीसीएस की तैयारी इलाहाबाद में करवाया वह परिवार कभी मारा पीटा नहीं, कभी दहेज नहीं मांगा। नौकरी लगने के बाद 7 साल तक जिंदगी साथ चलता रहा वह परिवार मारा पीटा नहीं। जब गलत मनीष के हाथों लग गई हो सकता है परिवार वालों ने ये सब जान करके एक काम किया होगा। कौन सा काम? अरे ज्योति के गलती पर सब कोई डांटत होई अरे हवस में नगिनी हमारे लागल फूफुकार
के डांट से परेशान होकर के मनीष दुबे के बहकावे में आकर के आखिरकार उसने किया क्या कि उल्टाई लजाम ससुर भासुर पर लगाई दिहली केवल बचने के लिए केस का इल्जाम पूरे ससुराल वालों पे लगाई। अच्छा एक तेजी से कार्ड वायरल हो रहा है कि शादी के कडवा के हो तो बाजी क्रिया बाबू अरे झूठ बोल के सदिया भाईल बसारकार कभी कभी सच को छुपाने के लिए झूठ का सहारा लिया जाता है। उस कार्ड में एक बात की चर्चा हो रही है कि आलोक मौर्य शादी के टाइम अपना पोस्ट छुपा करके शादी किए। उस कार्ड पे ग्राम पंचायत अधिकारी लिखा गया था। धनंजय भैया एक बार मान भी लिया जाए कि शादी छुपा करके हुई थी, सफाई कर्मी का जिक्र नहीं था। बाहरे ज्योति मौर्य आजकल पति का पाकिट का एक रुपया भी मेहरारू चेक करके निकाल ले ली। पूरा 12 साल बीत गई, आज तुहे तो पता चलल हो कि नहीं तुहार तो पति ग्राम पंचायत अधिकारी ना हुए सफाई कर्मी हुए। क्या मजाक है, कानून से भी खिलवाड़। कानून के लोग जब करने लगे फिर असहाय लाचार कहां जाएंगे। पूरी कहानी को बारीकी से पढ़ने के बाद सम्राट जी और आदरणीय बड़े भैया रिकॉर्डिस्ट धनंजय सिंह जी ओम प्रकाश दीवाना एक निचोड़ पे पहुंचा है और रिजल्ट भी यही आने वाला है। आज मैं गा रहा हूं, रिजल्ट भी यही आने वाला है। कौन सा रिजल्ट है? नजर डल्ला के बाद वायरल चैट पढ़ला के बाद वायरल रिकॉर्डिंग के बाद सारी चीजें क्लियर हो जा रही हैं कि तुम तलाक इसलिए ले रही हो कि तुम्हारा आशिक मनीष पहले ही अपनी बीवी को तलाकनामा लिख चुका है। दोनों तलाक ले लो, इसके बाद तुम लोग की जिंदगी में कोई इंटरफेयर करने वाला नहीं होगा। लेकिन ज्योति से मैं कहना चाहूंगा कि जिसका पहले ही दर्जनों अफेयर रह चुका है आज अपनी बीवी से तलाक लेगा, ज्योति सावधान रहना, कल तुमसे भी तलाकनामा लिखवा सकता है। बिरहा गाने तक की ताजा रिपोर्ट में बता दे रहा हूं कि डीजी के द्वारा जो डीआईजी को रिपोर्ट सौंपी गई थी मनीष दुबे की जांच करने के लिए, उस जांच में मनीष दुबे दोषी पाया गया है। कुछ ही दिनों में मनीष दुबे निलंबित हो सकता है। लेकिन देश के लोगों का सवाल है आलोक के लिए, अपील है आलोक के लिए। कैसा अपील है कि अरे ज्योति बाली दोषी या न्याय की जोगी बाबा आलोक के मिली कहिया न्याय। तनिका विचार करी सबे, जवन आलोक 5 साल तक पढ़वले नौकरी के बाद 7 साल साथावा निभावले 12 साल रखले अरे कैसे ज्योति के रोज
अगर आलोक के घर वाले मार रहे थे, आलोक के परिवार वाले मार रहे थे, तो फिर ज्योति का 12 साल कैसे गुजर गया है। दूसरी लाइन तनिका यह देश का और बाकी पढ़े वाली औरतन पर अब हमारे देश का लोग तनिका जुलुम ढावत हो। सब कोई ज्योति का तरह ना हुई। अभी बताया गया इलाहाबाद से 133 पत्नियों के पतियों ने पत्नियों को वापस बुला लिया। खान सर के ट्यूशन से करीब करीब 60-70 औरतों को वापस बुला लिया गया। अरे एक ज्योति गलती कर दी तो क्या हर घर की बहुएं ज्योति की तरह हो जाएंगी? गलती कोई और कैलस और सजा कोई और पावे। कहावत एगो कहा जला खेत खाए गदहा और मारल जा भाव है। ज्योति के करनिया के दूसर भोगे साजा। अघारवा बोला वाले के तना रानी के राजा। जोगी बाबा आलोक के मिली कहिया न्याय। बहुत अच्छे मेरे बहादुर। देश के तमाम युवा साथियों से बिरहा के आखिरी में ओम प्रकाश दीवाना अपील करता है, आपका भाई अपील करता है कि एक ज्योति के द्वारा की गई गलती का सजा देश की बाकी बेटियों और बाकी बहुओं को आप लोग न दें। हर बहु और हर बेटी ज्योति नहीं होगी, इसलिए आप अपनी बीवियों को पढ़ाएं, अपनी बेटियों को पढ़ाएं, अपनी बहनों को पढ़ाएं। बोध छत्री साहू फूले सम्राट अशोक महान। बाबा साहब ललई यादव जय जय संविधान। अरे सिंदूर की लाली काली पड़ गई। दीवाना सुरेंद्र ई कैसन बात दस्तूर। सिंदूर की लाली काली पड़ गई।